सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्लिक कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल है रक्षाबंधन और इसी सिलसिले में मैं लेकर आई हूँ रक्षाबंधन स्पेशल एक रेसिपी। और रक्षाबंधन यानी कि मुंह मीठा करना, मिठाई खाना, बहुत सारी मिठाइयाँ भाइयों को खिलाना। पर मेरे भाई को मिठाई खाना बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरे भाई को सिर्फ पसंद है पनीर और आलू। इसीलिए मैं लेकर आई हूँ एक स्नैक्स की रेसिपी। इस रेसिपी का नाम है पनीर ड्रमस्टिक। ये एकदम चिकन ड्रमस्टिक के जैसा दिखता है। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग इसे परफेक्टली खा सकते हैं क्योंकि ये एकदम दिखने में चिकन के जैसा लगता है पर है वेजिटेरियन। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पनीर ड्रमस्टिक की रेसिपी। तो यहाँ मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर और पनीर को मैंने अपने हाथों की मदद से ऐसे क्रम्बल कर लिया है। आप चाहे तो इसे ग्रेटर में ग्रेट कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे एक बड़ा उबला आलू जिसे मैंने अपने हाथों की मदद से ऐसे मैश कर लिया है। डाल देंगे दो ब्रेड के ब्रेड क्रम्स और मैंने इसे फ्रेश ब्रेड से बनाया है। मैंने ब्रेड की साइड्स को काट कर अपने हाथों की मदद से ऐसे क्रम्बल कर लिया है। और आप इसकी जगह पे बाज़ार में जो मिलता है ब्रेड क्रम्स उसे भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे एक छोटा साइज़ का बारीक कटा हुआ गाजर। अब डाल देंगे एक बड़ा चम्मच धनिया पत्ता। डाल देंगे एक छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर। एक चौथाई छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। नमक स्वाद अनुसार। एक चौथाई छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। डाल देंगे चाट मसाला एक चौथाई छोटी चम्मच। अब डाल देंगे वाइट पेपर पाउडर एक चौथाई छोटी चम्मच। आप वाइट पेपर पाउडर की जगह पे ब्लैक पेपर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब डाल देंगे ओरिगैनो, ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह पे कसूरी मेथी भी यूज कर सकते हैं। और इसे अपने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो चुका है अच्छे से, तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ मैंने लिया है बेबी कॉर्न और बेबी कॉर्न के ऊपर मैं पनीर के मिक्सचर से कवर करके फ्राई करूँगी। आप इसकी जगह पे कोई भी स्टिक के ऊपर भी इसे कवर कर सकते हैं। तो एक छोटा सा बॉल लेंगे और अपने हाथों में इसे फैला लेंगे। अब एक बेबी कॉर्न लेंगे और ठीक इसका उल्टा पार्ट जो है मोटा वाला पार्ट इसके बीच में रख देंगे और अच्छे से कवर कर देंगे। और इसे बहुत ही अच्छे से कवर करना है ताकि ये खुल ना जाए। और इसे हम अच्छे से शेप दे देंगे, एकदम चिकन की ड्रमस्टिक के जैसे हम इसे अच्छा सा शेप देंगे ताकि ये दिखने में एकदम चिकन ड्रमस्टिक लगे। तो देखिए पहला पनीर ड्रमस्टिक रेडी हो चुका है और इसी तरह मैं बाकी पनीर ड्रमस्टिक बना लूँगी। तो देखिए सारे पनीर ड्रमस्टिक रेडी हो चुका है और 200 ग्राम पनीर से कुल 8 ड्रमस्टिक बने हैं। अब एक प्लेट में डाल देंगे 2 बड़े चम्मच मैदा और 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर। साथ ही में डाल देंगे चुटकी भर नमक, थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। और अब इन सभी चीज़ों के साथ हमें मैदे और कॉर्नफ्लावर के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब एक पनीर ड्रमस्टिक लेंगे और कॉर्नफ्लावर और मैदे के मिक्सचर में अच्छे से कोट कर लेंगे और एक्सेसिव मैदे को हम अच्छे से झाड़ लेंगे। अब मीडियम हॉट ऑयल में इसे हम डाल देंगे और मीडियम फ्लेम में अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे।
तो देखिए पनीर ड्रमस्टिक एकदम फ्राई होकर रेडी हो चुका है, इसे सर्व कीजिए गर्मा गर्म। अब इस गर्मा गर्म पनीर ड्रमस्टिक के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला ताकि ये खाने में और भी टेस्टी लगे, और इसे सर्व करेंगे टोमेटो केचप के साथ। पनीर ड्रमस्टिक की रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें, बच्चे बड़े सबको खिलाइए। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।